खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया। बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 89,230 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट में सरकार को 88,000 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसके तहत ही धामी सरकार ने लोगों को बजट में कई सौगातें दी है। इन सौगातों में सीएम धामी ने चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, सौर ऊर्जा के बजट में इजाफा दिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। रेफर किया जा रहा है, तो ये सरकार की नीतियों का ही परिणाम है। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अब आप ये ट्राउट का उत्पादन इस बीच में कितना बढ़ा है ये आप सब देख ही रहे हैं। नारी शक्ति की यदि हम बात करें तो इसमें पूरा यदि मैं बात करूँ लगभग 14,538 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन किया गया। और इसमें चाहे नंदा गोरा हो, और नंदा गोरा का आप देखिए कब से वो जो पेंडिंग हमारे योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, लाभार्थियों को, वो भी इसमें जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, गाय गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना है, यानी कि इस प्रकार से मैं संक्षेप में आपको ये विषय रख रहा हूँ। और सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि आप ये समझें कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP ये 2022-23 में हमारा जो राज्य का कंट्रीब्यूशन था या जो उसका GSDP था वो 7.63% था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 7.2%, यानी कि हम अपना जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर रहे हैं लगभग अनुपातिक भी कर रहे हैं और उसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। 22-23 में अनुमानित किया हमने 7.58% अनुमानित, क्योंकि अभी चल रहा है, और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ 7.3% है। और इस बार का जो 24-25 का है जिसमें मैंने कहा कि GSDP जो 22-23 में वो 3,03,000 करोड़ का था, 23-24 में ये 3,46,000 करोड़ का था और 24-25 में अनुमानित कर रहे हैं 4,00,000 करोड़ रुपए का, यानी कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लगभग 4,00,000 करोड़। और आप देखिए कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 22-23 में तो वो है 1,72,276 और हमारे प्रदेश की है 2,30,994 यानी 22-23 की। 23-24 की हमारे यहाँ जो अनुमान जो रेट है वो है 2,60,201 यानी कि 12% की हमने वृद्धि की है, तो इस वर्ष भी इसमें हमें लगता है कि ये थोड़ा बढ़ेगा। और जो बजट का साइज है 88,230 करोड़ का है, पिछले वर्ष की तुलना में ये 15.27% बढ़ा है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि हमने जो है जो हमारे अपने कर हैं उनको अर्जित करने के लिए हमने लगातार हमने प्रयास किए हैं।